नहीं किसी बेटे का दिल दुखाया होगा, किसी माँ ने किसी बेटे का दिल दुखाया होगा, और किसी ने कहा होगा कि देख एक ना एक समय में तुमको भी ऐसा ही थोड़ा सा दुख देखने को मिलेगा। और जब तक ये गांठ चलते रहेंगे उसके अंदर बैठ तो ये कैसे ठीक होगा। तो पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे कि भगवान यदि जाने अनजाने ऐसे किसी भी जीव का किसी भी भाव में यदि दिल दुखाया हमसे किसी, तो यदि वो जीव पूर्व में हो या पश्चिम में हो, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, चाहे ईशान में हो आग्नेय में हो नैऋत्य में हो वायव्य में हो अधो में हो ऊर्ध में हो कहीं भी हो, प्रभु आपको साक्षी मानकर ये प्रार्थना करते हैं कि उस जीव के और उसके पूरे परिवार को सुखी रखना, उसके सारे दुख को दूर कर देना। यदि हम लोगों से कोई यदि ऐसा हुआ है जिससे उसके अंदर वो दुख चल रहा है, तो हे प्रभु उसके सारे जीवन में खुशियों का सागर भर देना भगवान, और हम उन सारे जीवों से और बच्चा भी दिख रहा है, और ये बाल रूप वाली चीजों में मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव हो सकता है, और साथ में जल भी दिख रहा है, जल
तो यहां जल का समीकरण तो बिगड़ा ही है, तो इसका भी को पढ़ो। और आप पांचवा पढ़ो, आपकी स्थिति उस हिरणी के जैसे हो जाएगी जो अपने वो जानती है कि यहां उसके पास कोई उपचार नहीं है, आपके पास कोई उपचार नजर नहीं है। यानी सोचो ना, फिफ्थ श्लोक का आपके लिए लिखा गया है बहन जी, आपके लिए। फिफ्थ श्लोक में क्या कहा गया है कि जो हिरणी रहती है ना, अपने बच्चे को जब सिंह के सामने पाती है, ये सिंह के ही सामने अगर आप देखोगे तो वही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में वो जानती है कि उस बच्चे को वो शायद उसकी सामर्थ्य नहीं कि उसको स्वस्थ कर पाए, लेकिन वो अपने बच्चे के मोह में उस सिंह का सामना कर रही है एकदम। यहाँ पर यही तो होगी ना स्थिति, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और ऐसी स्थिति में क्या होगा मालूम, भक्ति वैसी हो जैसे आचार्य मान तुम्हारे चाहिए। तीन दिन से अन्न जल ग्रहण बेटियों से जकड़े हुए थे, सोचो आप अगर तीन दिन पहले, अभी आपका वेट ले, अभी पता चला 55 kg, तीन दिन भोजन पानी नहीं दे तो आपका वेट कितना हो जाएगा, 55 से 50 kg। लेकिन बेड़ियां तो 15 kg की है ना, तो वो और भारी नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल भारी। तो ऐसी स्थिति में भी जो व्यक्ति लिख रहा था उसका अपना दुख नहीं दिख रहा था कि मैं मुझे तकलीफ है, वो क्या कह रहा था, भगवान आप कितने सुंदर, भगवान कितने सुंदर हो आप है। तो वो ऐसा कह रहे थे अपने भगवान को, नतीजा क्या निकल रहा था कि उनका सौंदर्य बढ़ रहा था। वो क्या, भगवान आपको तो कभी कोई बेड़ियां बांध ही नहीं सकती, नतीजा क्या निकल रहा था, उनकी बेड़ियां टूट रही थी। ये जैन दर्शन है, इसमें ना अपने लिए नहीं मांगा, हे भगवान कभी, हे भगवान दुनिया में किसी माँ के बेटे को कभी तकलीफ नहीं देना प्रभु, सबको सुखी रखना प्रभु, एक एक बच्चे को सुखी रखना। और आप देखोगे कि आपके बच्चे के लिए रास्ते निकल गए, यानी ये इसको ना बिल्कुल आप एडॉप्ट करो। थर्ड और फिफ्थ तो बिल्कुल इसके लिए पढ़ना ही है ना। और रही बात, एक 28 नंबर का श्लोक है, इसकी बैकबोन अगर काम नहीं करती, मतलब आप देखो सब होगा ना, होगा होगा। अब इसमें दोष क्या है, मैं बताऊं, नोट कर लो, कुछ है मेरा भी तो मेरे वहां से पैटर्न है। ये समझ में आया तीसरा और पांचवा, तीसरा और पांचवा, तीसरा और पांचवा तो ठीक है। और 28 में क्या है, 28 में कल्प वृक्ष बताया, तो उसमें कल्प वृक्ष का ध्यान करें। अगर अब वो सो उत्तर दीदी को भी जाना है तो वो अष्टप्रातियां ध्यान था, आप करो ना थोड़ी देर, भगवान तो बनो यहाँ, क्योंकि भगवान ही उसको ठीक कर सकते, बिल्कुल। और इसलिए ना भगवान बनना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तो बनोगे भगवान थोड़ी देर में, तो 2 मिनट बैठा मैं ध्यान करा दूँ, यही पर इस बच्चे, क्योंकि यही भगवान है, ये सिद्धात्मा है भविष्य की, कोई साधारण बच्चा नहीं है ये, पूरे माता पिता और पूरे परिवार को जो बच्चा धर्म के पास ला रहा है, हो सकता है सीधा खड़ा रहता ना तो मम्मी पापा और दादा दादी धर्म में नहीं जुड़ते थे, वो भगवान बनाने के लिए आया आप सबको। इसमें वो चार प्रातिहार है जो आप पढ़ते हैं, और वो चार भी जो 48 में टोटल मानते हैं। अब इसमें भगवान जो है, जैसे देखो यहाँ पर भगवान तो है, ये बच्चा कैसे ठीक नहीं होगा, देखो ये नमो अरिहंता, जो ये वाला चंद्रमा है ये क्या है, ये नमो अरिहंता क्या है, नमो अरिहंता, और ये अरिहंत भगवान ये समय शिखर से सिद्ध हो गए, नमो सिद्धारण, ये नमो सिद्धारण जी, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, नमो सिद्धारण, और ये दोनों हाथ है नमो आयरिया, नमो आयरिया, और ये जो मध्य का हिस्सा है नमो उज्जायाय, क्या है, नमो उज्जायाय, और नाभि और नीचे जो भगवान पद्मासन में रहते हैं नमो लोये सर्वसाधारण। तो अब ये देखो ध्यान से देखो, नमो अरिहंताण, ये आधा चंद्रमा आपके दोनों कानों के ऊपर वाला है, नमो सिद्धारण दोनों कंधे, नमो आयरियाणम, और ये बीच से नमो अज्जायाणम, और ये नमो लोए सर्वसाधारण। तो बताओ ये आदिनाथ भगवान है,
ऐसे यहाँ भी है, 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 यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम चारों तरफ आदिनाथ भगवान। लेकिन क्या ऐसे ही रहने देंगे क्या भगवान को कि कुछ समोसरण वगैरह बना के अच्छे से रखेंगे? बताओ, ऐसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो अब आपकी जो बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, यहाँ कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ है, कल्पवृक्ष, यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, सारी जैसा हम सोचे। और भगवान आपकी समक्ष आदिनाथ भगवान प्रार्थना है कि बच्चे को स्वस्थ कर देते हो, जिससे ये भक्तामर स्तोत्र की महिमा को सारी दुनिया में चला। ओम, अब आंखें बंद करो, देखो रीढ़ की हड्डी कल्पवृक्ष बन रही है, कल्पवृक्ष बन रही है बैकबोन आपकी, और इस कल्पवृक्ष से उच्चैर शोक तरु संसृत मन्मयूख मभाति रूप ममलम भवतो नितान्तम पश्चोल सत् किरण मास्त तमो वितानम बिंबम रवे आपने इतनी सारी आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं बनाई हैं।